Hello everyone, in this lecture we are going to discuss about the pigeonhole principle and we will relate this pigeonhole principle to the pumping lemma. I am a resident of Varanasi and wahan pe jo ghar purane wale hote the usme specially pigeons ke liye ya pakshiyon ke liye taake banaye jaate the. So let's say ye hamara taaka hai aur inme buzurg log dana rakh dete the jisse ki isme pakshi aaye और दाने को खाएं। तो मान लीजिए कि हमारे घर में तीन ताके हैं, एक दो तीन, और पक्षी एक उड़ के आया है तो वो इनमें से किसी भी एक में एडजस्ट हो जाएगा। अगर दो पक्षी आए हैं तो इनमें से वर्स्ट केस में ऐसा होगा कि दोनों पक्षी अलग अलग ताके में चले जाएंगे। अगर मान लीजिए कि तीन पक्षी आए हैं तो वो तीन अलग अलग ताकों में चले जा सकते हैं और अपना दाना खा सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास चार पक्षी आ गए तो अगर हमने एक पक्षी इसमें रखा, दूसरा इसमें रखा और तीसरा इसमें माना, तो चौथा पक्षी या तो वन में हो सकता है या टू में हो सकता है या फोर में हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने चार पक्षी लिए हैं और तीन ही ताके हैं तो किसी एक ताके पे एक से ज्यादा पक्षी जरूर होगा। तो यही पिजन होल प्रिंसिपल है कि गिवन एन पिजन होल्स एंड एन प्लस वन पिजन्स, एन प्लस वन और मोर पिजन्स, देन देयर विल बी at least one pigeonhole in which there will be more than one pigeon. तो ये पिजन होल प्रिंसिपल हो गया। इसको आपने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा होगा इन द सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। वी आर ट्राइंग टू रिलेट दिस टू द पंपिंग लेमा प्रिंसिपल। नाउ इसको रिलेट करने के लिए पंपिंग लेमा से मान लीजिए कि आपके पास एक लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज कहता है कि इसमें ए और बी सिंबल्स होंगे और द लैंग्वेज स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद ए। सो स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद ए आल्सो। इसमें जो स्ट्रिंग्स हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है, जो सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी वो डबल ए होगा, इसके बाद ए बी ए हो सकता है, इसमें ए डबल बी ए हो सकता है, ट्रिपल ए हो सकता है, ए बी ए ए हो सकता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। इन सभी में स्टार्ट विद ए एंड एंड्स विद ए होता है। सो दिस विल बी द इनफाइनाइट लैंग्वेज। अगर आप इसके लिए एक छोटा सा ऑटोमेटा बनाने की कोशिश करें, सो लेट्स से दिस इज द इनिशियल स्टेट जिससे आप ए लेंगे तो आप इस स्टेट में जाते हैं और इसके बाद ए के और लेंगे तो आप फाइनल स्टेट में चले जाएंगे। तो ये हमारा अगर एन एफ ए है, अगर हम एन एफ ए डिजाइन कर रहे हैं हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी आते रहेंगे और आप इसको इसी स्टेट पर रखिए। सो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, दिस विल बी ए एंड्स विद ए एंड इन बिटवीन दे कैन बी एनीथिंग, सो ए प्लस बी स्टार। तो इसमें जो आपने स्टेट्स बनाए हैं तो आप अपने ऑटोमेटा को अगर ध्यान से देखें, सो इसमें तीन स्टेट्स हैं। तो जो पंपिंग लेंथ आपकी होनी चाहिए वो, या गिवन स्ट्रिंग की जो लेंथ होनी चाहिए वो पंपिंग लेंथ से बड़ी होनी चाहिए या उसकी इक्वल होनी चाहिए। सो कम से कम तीन लेंथ की स्ट्रिंग तो आप जरूर सेलेक्ट कीजिएगा अगर आप पंपिंग लेंथ से पंपिंग लेमा से ये प्रूफ करना चाहते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं। सो तीन स्टेट वाले ऑटोमेटा में अगर आप ध्यान से देखें, सो अगर हम कोई एक स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लें, लेट से ए बी ए, सो ए और ए कंपलसरी है, इसका मतलब कि अगर हम पार्ट्स इसमें से डिवाइड करें, सो दिस इज द पार्ट व्हिच इज एक्सेप्टिंग दिस इनिशियल ए, दिस इज द पार्ट व्हिच इज एक्सेप्टिंग दी फाइनल ए, और बीच में जो बी है वो इसी स्टेट में या जो इंटरमीडिएट स्टेट है, लेट्स से आई स्टेट इज द इंटरमीडिएट स्टेट, यहीं पे बी हमारा पंप होगा। अगर हम स्ट्रिंग ए डबल बी ए ले लें तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो बी है बीच वाला वो दो बार इसमें पंप होगा, वन एंड टू टाइम्स। सिमिलरली अगर आप स्ट्रिंग ट्रिपल ए डबल बी और ए लेंगे तो इस केस में डबल ए और डबल बी, मतलब एक ए फिर बी, इसका मतलब फोर टाइम्स इसमें पंप होगा। इसका मतलब ये कि जो इंटरमीडिएट स्टेट आई है हमारा, इस स्टेट में पंपिंग वन और मोर टाइम्स होगी। तो अगर हमारे पास तीन ताके हैं यहाँ पे, हमने तीन ताके माने और हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है
वो 3 से ज्यादा है, तो उस केस में एक टाके पे एक से ज्यादा बार पंपिंग होगी। वो पिजन होल प्रिंसिपल जैसा ही है कि इफ देर आर n+1 पिजन्स एंड देर आर n पिजन होल्स, देन इन वन ऑफ द पिजन होल देर विल बी मोर देन वन पिजन। सिमिलरली यहाँ पे पंपिंग एक से ज्यादा बार होगी अगर आपने स्ट्रिंग की जो लेंथ ली है वो पंपिंग लेंथ से ज्यादा लिया है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पिजन होल प्रिंसिपल एंड द पंपिंग लेमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।